नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फोटोशॉप में फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे बदलें। जैसा कि आप सबको पता है कि फोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग का बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि हम कभी भी स्टूडियो या अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं या खींचते हैं, तो हमें कभी कभी इनका बैकग्राउंड पसंद नहीं आता। तब हमें लगता है कि काश मुझे फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंज करना आता होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप में कैसे आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल ही आसान है, आपको मैं बताऊंगा बड़े आसानी तरीके से। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले खोलते हैं फोटोशॉप। मेरे पास है फोटोशॉप 7। आप किसी भी फोटोशॉप में ये बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं फोटोशॉप 7 में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं वो इमेज खोल लेते हैं। पॉलीगोनल टूल से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले दबाएंगे शिफ्ट और यहाँ से शुरू कर देंगे और शिफ्ट छोड़ देंगे। अब स्पेस बटन से ऊपर नीचे कटिंग करेंगे। अगर अपने को राउंड में कटिंग करना है कहीं भी, तो बीच बीच में एल्ट दबाते रहेंगे। जैसे ये मैं राउंड कटिंग कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये एल्ट मेरा प्रेस किया हुआ है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये अपना बीच का हिस्सा जो कटिंग करने के लिए छूट गया, इसके लिए इसको अपने माइनस में कटिंग करेंगे। इसके लिए एल्ट दबाएंगे और कटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो ये इतना एरिया सेलेक्ट कर लेगा ऐसे ही इसमें एल्ट से। ये दो जगह यहाँ पे रहेगी, तो इसको एल्ट से तो दोस्तों ये हमारा कटिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसको देंगे फेदर। राइट क्लिक करिए और फेदर इसके अंदर 1.4 का अच्छा आएगा। ओके, अब इसको यहाँ से कट करना है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। कट करने के बाद अब अपने को एक नई फाइल लेनी है जिसमें इसको लेके जाना है। तो न्यू फाइल के लिए फाइल न्यू या शॉर्टकट कंट्रोल एन ले सकते हैं। अपने एक 12:8 की फ़ोटो बनाते हैं जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है। 12:8 और रेजोल्यूशन इसका 300 रख देते हैं। कलर RGB। ओके, अब इसमें पेस्ट करते हैं कंट्रोल V से। कंट्रोल T से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, एल्ट और शिफ्ट दोनों दबा के। जब एल्ट और शिफ्ट दोनों दबाएंगे तो ये छोटा बड़ा चारों तरफ से एक जैसा होगा। अगर अपने एल्ट और शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये इस तरह से छोटा बड़ा हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए एल्ट और शिफ्ट दोनों का
कंट्रोल टी के बाद एल्ट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के इसको छोटा बड़ा करते हैं, इसको नीचे ले आएंगे और थोड़ा सा सीधा कर देंगे। ओके, अब हमको जो भी बैकग्राउंड चेंज करना हो वो बैकग्राउंड लेके आना है। डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ है। अब करना क्या है कि मूव टूल पे जाते हैं, मूव टूल से इसको राइट क्लिक से खिसकाते हुए यहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कंट्रोल टी से। ओके, अब बैकग्राउंड को पीछे लेके जाएंगे, तो अब अपने F7 की दबाएंगे तो ये टूल आ गया। टूल आने के बाद इसको फोटो को यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ खिसका देंगे तो ये हमारी फोटो ऊपर आ जाएगी। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। अब ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अपने थोड़ा सा, आजकल दोस्तों ब्लर ज़्यादा इफेक्ट चल रहा है तो अपने इसके लिए ये टूल लेके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे जितना हमें ब्लर चाहिए। इसको सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैं इतना इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको फेदर देंगे 80 का। इसको यहाँ से फिल्टर में जाके ब्लर क्वाशियन ब्लूर इसको थोड़ा हल्का कर देना है। इसको थोड़ा, इसको 6 और 7 तक रखिए ताकि अपना ठीक लगे। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा लेते हैं। अब मेरे को यहाँ थोड़ा ब्लर और चाहिए, जैसे ये एरिया का बैकग्राउंड का मेरे को थोड़ा ब्लर और चाहिए। ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। राइट क्लिक, फेदर 80, ब्लर फिल्टर में ब्लर और गॉशियन ब्लर इसमें थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं, ये थोड़ा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए इरेजर टूल लेते हैं, इरेजर टूल को छोटा कर देते हैं, को थोड़ा मिक्स करते हैं। इसके बाद इरेज टूल लेके इसमें तो हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर देते हैं ताकि ये ओरिजिनल लगे। इसे यहाँ भी है, इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। इस बैकग्राउंड को इमेज के अंदर थोड़ा मिक्स करते हैं ताकि अपने को थोड़ा ओरिजिनल लगे। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से इसका थोड़ा कलर चेंज करेंगे। फोटो का भी कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, कंट्रोल एम कर्व, इस कर्व को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। अब इसमें आप कुछ इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कुछ लाइट का इफेक्ट दे सकते हैं। बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, फिल्टर के अंदर रेंडर लेंस फ्लेयर, तो यहाँ से अपने एक लेंस का फ्लेयर दे देते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये लाइट का फ्लेयर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड अपने चेंज कर लिया और इसको थोड़ा मिक्स कर दिया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।